हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मिनटों में बनने वाली रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल एंड पनीर जलफ्रेजी। ये सब्जी बनाने के लिए आपको काफ़ी देर तक मसाला भूनने की भी ज़रूरत नहीं है, मिनटों में ही बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेजिटेबल एंड पनीर जलफ्रेजी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच तेल, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जैसे ही जीरा चटक जाए हम ऐड करेंगे 1 बड़ा साइज का प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे जब तक ये हल्के ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। प्याज का कलर भी अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम 1 मिनट तक पका लेंगे जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन नहीं चला जाता। जब तक हमारा अदरक लहसुन पक रहा है तब तक चलिए मसाला पेस्ट तैयार करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 कप फ्रेश दही और इसमें हम ऐड करेंगे कुछ बेसिक मसाले, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग मसाला, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच के हिसाब से कसूरी मेथी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद साइड में रख दीजिए। इससे हमारे जो मसाले हैं वो बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर हमारा जो प्याज और अदरक लहसुन पक रहा था वो भी बिल्कुल रेडी है पककर। इसमें डाल दीजिए कर्ड वाला मिक्सचर। आप चाहे तो दही और ये जो मसाले हैं वो डायरेक्टली भी डाल सकते हैं पैन में अलग अलग, लेकिन एक साथ मिलाकर ऐड करने से हमारी जो सब्ज़ी है उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। थोड़े से मसाले हमारे बोल में चिपक गए थे, उसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल देंगे। अब हम हमारे मसाले को लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे जब तक कि इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से पक गया है, तेल भी छोड़ दिया है इसने। अब चलिए हम इसमें वेजिटेबल्स डालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है गाजर, जिसे मैंने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, और साथ ही लिए हैं बीन्स, इसे भी मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है। वेजिटेबल्स का साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कैप्सिकम और प्याज, इसको पकने में बहुत कम समय लगता है इसलिए हम इसे बाद में ऐड करेंगे। गाजर और बीन्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर इसे हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे 3 से 4 मिनट तक। अगर आप मटर या फ्लावर डालना चाहते हैं तो वो भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। अब हमारा जो गाजर और बीन्स है 50% कुक हो गया है। इसमें हम डाल देंगे 1 शिमला मिर्च और 1 प्याज, साथ ही डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे भी हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर ढक के। अगर आपके घर में मशरूम्स है या बेबी कॉर्न है तो वो भी इस समय आप ऐड कर सकते हैं। इन सब्जियों को मैंने ढककर और 2 मिनट तक पका लिया था मीडियम फ्लेम पर। अब हमारी जो सब्जियां हैं वो पक गई हैं। हल्का हल्का क्रंच इसमें अभी भी बरकरार है, जिसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर, 1/2 टमाटर लिया है जिसे लंबा लंबा कट कर लिया है, 100 ग्राम पनीर और इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, हरी मिर्च, यहाँ पे कम तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है ताकि उसमें भी मसाले अच्छे से कोट हो जाए और खाने के टाइम बहुत बढ़िया स्वाद आए। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर ढककर इसे 2 मिनट तक पका लीजिए। वेजिटेबल और पनीर जलफ्रेजी बनाने के लिए हमने जितने भी कुकिंग की है वो मीडियम फ्लेम पर ही की है। अगर आप लो फ्लेम पर पकाएंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा ये सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी है। बस इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए, 2 बड़े चम्मच क्रीम, आप चाहे तो घर की मलाई ले सकते हैं या फिर फ्रेश मलाई ले लीजिए, अमूल क्रीम वाली, और लास्ट में डाल देंगे हम कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स कर लीजिए और सर्व कीजिए रोटी के साथ, चपाती के साथ या फिर जीरा राइस के साथ। तो अगर आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं उन्हें वेजिटेबल और पनीर जलफ्रेजी बनाकर ज़रूर खिलाइए, वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। साथ ही रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।